पिछले कुछ समय से जो हो रहा है उसकी वजह से तो उन लोगों का शक जायज है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट है वो सब पूजा ने करवाया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और पूजा अब माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रही है, कुछ जस्टिफिकेशन देने के लायक भी नहीं रही है। आई एम सॉरी। सारा परिवार नाराज है क्योंकि सब परिवार को लगता है कि पूजा ने ब्लास्ट करवाया है, और पूजा थैंकफुल है नरेन के लिए क्योंकि उन्होंने बचाया, दो दो माओ को बचाया, रिचिल जो प्रेग्नेंट है उन्हें भी बचाया है। तो अब पूजा पे शक तो है सबका, लेकिन अब इसका पूजा कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो कुछ भी हो रहा है वो सब पूजा की तरफ ही, यू नो, सब कुछ पूजा की वजह से ही हो रहा है। इसकी अभी स्क्रिप्ट भी नहीं आई है और इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगी जब हम ये सीन कर रहे हैं। वो वाला तो पूजा घर छोड़कर जा रही है, लेकिन ये वादा करके कि वो वापस आएगी और कल एक नई सुबह होगी, तो उस एक्सपेक्टेशन से पूजा आज घर वापस जा रही है, अपने मायके वापस जा रही है और लास्ट हग कर रही है कि अब कल आऊँगी तो अब आपके साथ ही रहना है। भाभी जी के पार्ट चुप क्यों बैठे, कुछ तो कहिए। बुआ जी, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दादा जी, पापा। भाई, अब तो बहुत हो गया। अरे पूजा, भाभी के पार्टी वाले घर की लेडीज सबको नहीं छोड़ा। बुआ जी, बुआ जी, एक आइसक्रीम का। ये रिश्ते का क्या मतलब? सूजी बोलती है। दादा ने भी आपको लूट लिया ऐसे। वो आ गई। कुछ होगा ना? हाँ, कल हो गया था। लूट लिया। रोली, रोली है। एक्शन। दादाजी, पापा, अगर आप लोगों की इजाजत हो, रेडी सर। एक्शन। छोड़ दीजिए, जाइए।